हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके ऑनलाइन टेस्ट। आज का वीडियो में दोस्तों फिर रेलवे प्रीवियस ईयर का 20 क्वेश्चन है जो कि 2018 में पूछा गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन से आयोजन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रवासी भारतीय दिवस, जिसे शॉर्टकट में PVD कहते हैं। इसको दोस्तों महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उसी को याद में मनाते हैं। क्वाइल की गति की चुंबकीय दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितना डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? तो 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन से लेखक को उनके अंग्रेजी उपन्यास द ब्लैक हिल के लिए 2017 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममंग दाई। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो इन चार ऑप्शन दिया गया है जो कि तीन किसी न किसी तरह समान है, बाकी एक भिन्न है। तो कपास, ऊन और रेयन समान है लेकिन कार्डबोर्ड समान नहीं है। तो इसका सही आंसर कार्डबोर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो इसका सही आंसर बेकिंग सोडा होगा। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है? तो हेलोजन को 17वें समूह में रखा जाता है और 18वें समूह में अक्रिय गैस को रखते हैं। मार्च 2018 में ओडिशा के पुरी में आयोजित समारोह में किसने नाप कालेब्रा पर्व के अवसर पर 1010 रुपए के स्मृति सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति जो कि रामनाथ कोविंद हैं। वेलु थम्पी दलवत किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह से लिए जाना जाता था। तो इसका आंसर होगा त्रिवणकोर। औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है? जनधन योजना। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना। करेवा जो मिट्टी गाद का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था। ओटू का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है? इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। युजवेंद्र चहल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो युजवेंद्र चहल दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, ये तो हर कोई जानता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन यानी ब्रीडिंग द्वारा पुनर्जन्म कार्यवंती कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया।
अगला क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 2017 में अग्रणी भूमिका पुरुष वर्ग के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा आमिर खान। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मुहासे।